हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चेदानी में कैंसर के बारे में। हमसे काफ़ी मरीज़ पूछते हैं कि मैडम, बच्चेदानी में जो कैंसर होगा तो उसका हमें कैसे पता चलेगा, यानी कि उसके क्या लक्षण होंगे और हम क्या सावधानी रख सकते हैं कि कैंसर ना हो या हमें कैंसर का जल्दी अवस्था में पता चल जाए। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस बात पर बात करें कि आखिर लक्षण क्या क्या होते हैं जिससे कि जल्दी पता लग जाए, और उससे भी ज़रूरी चीज़ ये है कि रूटीनली हमें कौन से टेस्ट करवाने होते हैं जिससे कि हमें बहुत ही शुरुआती अवस्था में लक्षण आने से पहले ही पता चल जाए कि हमें कैंसर की संभावना कितनी है या कहीं कैंसर तो नहीं हो रखा है। तो बच्चेदानी के कैंसर की जाँच के लिए एक पैप स्मेयर टेस्ट होता है, जिसको कि लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी होता है, LBC के नाम से या पैप्समेयर के नाम से जानते हैं, जो कि एक बार कराने के बाद 3 साल तक वैलिड होता है, यानी कि 3 साल में सिर्फ एक ही बार टेस्ट करवाना है और जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कैंसर होने की संभावना है या नहीं है, और अगर कैंसर है तो बहुत ही जल्दी अर्ली स्टेज में आपको पता चल जाएगा, जिसका कि बहुत ही 100% सर्जरी से इलाज संभव है। तो आप अपना, अपने प्रियजनों का, जो भी आपके फैमिली में लेडीज़ हैं, उन सबका पैप्समेयर टेस्ट ज़रूर करवाइए। और जब भी आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, तो अगर गायनेकोलॉजिस्ट ने अगर आपको सजेस्ट नहीं किया हो तो उनसे आप ज़रूर पूछिए इसके बारे में कि हमें हमारा पैप्समेयर करवाना है। और सालाना एक सोनोग्राफी आप ज़रूर करवाइए। सोनोग्राफी अगर बच्चेदानी के लिए अपन करवा रहे हैं तो डेफिनेटली वो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होनी चाहिए। जब भी आप सोनोग्राफी आप करवाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बच्चेदानी और अंडेदानी के बारे में पता चल जाती हैं कि कहीं बच्चेदानी में कोई सूजन तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन, कोई एंडोमेट्रियोसिस या और कोई बीमारी हो, या कैंसर जैसी कोई लक्षण या कोई पॉलिप ऐसी कोई बीमारी तो नहीं बन रही है, या फिर अंडेदाने के अंदर कोई रसौली बन जाए, कोई एंडोमेट्रियोसिस बन जाए या कोई और कोई प्रॉब्लम बने। तो ये जो सारी चीज़ें जो सोनोग्राफी से पता चलती हैं वो डेफिनेटली जब भी आप सोनोग्राफी कराएंगी तो अर्ली स्टेज में आपको पता चल जाएंगी, और हर बीमारी का शुरुआती अवस्था में 100% तक इलाज संभव है। बाद में यही चीज़ लाइलाज हो जाती है, जानलेवा हो जाती है, और हम चाहकर भी फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए पूरे साल भर में आप अपना सोनोग्राफी और अपना पैप्समेयर ज़रूर करवाइए। इसके अलावा नॉर्मल ब्लड के जो टेस्ट होते हैं वो ज़रूर करवा लीजिए, ताकि आपके पूरा फुल बॉडी चेकअप हो जाए। अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली पे हम लोग फेस्टिवल इतने उससे मनाते हैं, बहुत ही तैयारियां करते हैं, एक एक महीने तक घर की अपन सफाइयां करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, मिठाइयां खरीदते हैं, लेकिन वो कपड़े और मिठाइयाँ, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा उसी के ऊपर हम सजा सकते हैं। तो इसलिए पहले अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए हर दिवाली अपना पूरा फुल बॉडी चेकअप भी ज़रूर करवाइए। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हम बताएंगे आपको कि कैंसर के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है, अगर आपको इंटरकोर्स के बाद में स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो एक बहुत ही कॉमन लक्षण है जिसको सर्वाइकल कैंसर का टिपिकल सिम्टम माना जाता है। दूसरा, अगर आपको ऑन एंड ऑफ स्पॉटिंग हो रही है, यानी कि धब्बे जा रहे हैं, या आपको बदबूदार पानी आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या आपके पेड़ों में दर्द है, या आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो ये कुछ कॉमन लक्षण हैं जो काफ़ी सारी बीमारियों में देखे जाते हैं, बट कैंसर में भी हो सकते हैं। बट जो टिपिकल लक्षण है कि आपको गंदा बदबूदार पानी आना और इंटरकोर्स के बाद में, यानी कि सेक्स करने के बाद में ब्लीडिंग होना, वो बहुत टिपिकल लक्षण है जिसके लिए हमेशा इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। और अगर आप, आपका महीना जा चुका है और उसके बाद में आपको कभी भी ब्लीडिंग हुई है, यानी कि एक महीना रुकने के 1 साल के बाद कभी भी अगर कोई किसी भी तरीके की छोटी मोटी या ज़्यादा या कम ब्लीडिंग हुई है, तो डेफिनेटली कैंसर के लिए इवेल्युएशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग में कैंसर होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब भी आपको अगर मीनोपॉज के बाद में ब्लीडिंग हुई है, तो डेफ़िनेटली आपको पूरा वर्कअप करवाना चाहिए डॉक्टर के पास जाकर कि कहीं आपको कैंसर तो नहीं है। अब इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कैंसर आपके फैमिली में हिस्ट्री थी, यानी आपकी मदर को, सिस्टर को, मौसी को, किसी को कैंसर की हिस्ट्री है, बच्चेदानी का या फिर ब्रेस्ट का अगर कैंसर था, तो डेफ़िनेटली फिर आपको अपने ओवरीज का भी चेकअप बहुत ज़रूरी होता है, और सोनोग्राफी से ही ओवरीज का चेकअप हो पाता है, इसके अलावा नहीं पता चल पाता। कई बार सोनोग्राफी में बच्चेदानी के अंदर पॉलिप दिखता है, अंदर का लेयर का थिकनेस काफ़ी बढ़ा हुआ मिलता है, तो वो भी एक कैंसर की संभावना होती है। तो अगर अंदर का लेयर का थिकनेस ज़्यादा आता है तो हम दूरबीन डालकर चेक करते हैं, और अंदर से जो भी कोई एबनॉर्मल एरिया दिखता है उसकी हम बायोप्सी ले लेते हैं,
कैंसर की कंफर्मेशन हमेशा बायोप्सी टेस्ट से ही होती है, जब इसमें टुकड़े की जांच जिसको बोलते हैं, टुकड़ा लेकर थोड़ा बायोप्सी के लिए भेजा जाता है और उसमें ये कंफर्म होता है कि किस प्रकार का कैंसर है या नहीं है, ये भी उसी में पता चलेगा। तो अगर आपको अपनी बॉडी में किसी प्रकार का एबनॉर्मल लक्षण लगता है कि आपको भूख कम लग रही है, वज़न कम हो रहा है, या आपके ऊपर पेट में कहीं दर्द हो रहा है, आपको गंदा पानी आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, या और भी कोई ऐसी चीज़ है कि जो नॉर्मली नहीं थी और अब आपको एकदम से लग रही है, तो अपना रूटीन चेकअप ज़रूर करवा लीजिए, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। किसी भी सिम्टम को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि कोई भी कई बार जैसे अंडेदानी का जो कैंसर होता है या गांठ होती है, उसमें यहाँ आपके ऊपरी हिस्से में पेट के एपिगैस्ट्रिक हिस्से के अंदर ऊपरी हिस्से में जलन होना या पेन होना, यही नॉर्मल सा सिम्टम होता है, या भूख थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में हम कई बार खाली पेट वाली गोलियां लेकर काम चला लेते हैं, या कोई पेट दर्द की गोली लेकर काम चला लेते हैं, और अपन सोनोग्राफी नहीं करवाते हैं। तो अगर पूरे पेट में ऊपरी हिस्से में दर्द हो रहा है तो पूरे पेट की सोनोग्राफी करवाइए, और अगर लग रहा है कि नीचे की प्रॉब्लम है तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कराकर बच्चेदानी और अंडेदानी को पूरी तरीके से चेक करवा लीजिए। और फिर भी अगर लगता है कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप पेट का सीटी स्कैन भी करवा सकती है, जिससे कि 100% तरीके से अपन ये देख पाएँ कि बच्चेदानी, अंडेदानी या आंतों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, जिसका कि इलाज हमें आज की तारीख में करवाना हो, क्योंकि हो सकता है कल वो लेट हो जाए। तो अपने स्वास्थ्य के साथ लापरवाही ना बरतें, और जब भी आपको कुछ एबनॉर्मल लक्षण दिखता है तो डेफिनेटली उसके लिए अपनी जाँच करवाएँ और इलाज लें। और आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली आप अच्छे से मनाइए, अपने और अपने परिवार के साथ बहुत सारी खुशियों के साथ मनाइए, लेकिन आप अपना और अपने परिवार का ध्यान भी रखिए। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।